शिवपाल सिंह कराई वो भी इसी मेला प्रांगण में उपस्थित है। मेला कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कल YouTube पर बुंदेली मिक्स प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने YouTube पर भी देख पाएंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है, उत्तराखंड दंगल यूट्यूब चैनल पर भी इसको प्रसारण देख सकते हैं। दंगल पुनः एक और सूचना, इसी दंगल कार्यक्रम को बुंदेलखंड दंगल चैनल पर भी आप इसको देख सकते हैं। YouTube के माध्यम से आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इन दोनों YouTube चैनल पर देखेंगे। हमारी मलेटा दंगल कमेटी की तरफ से दोनों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। शाबाश शाबाश शाबाश। दोनों पहलवान भाई क्षेत्रवासी, आप सभी जो भी दर्शक हैं, इन पहलवानों का उत्साह अपनी तालियों के माध्यम से बढ़ाइए। और क्या देखिए आप दंगल का और बहुत ही अद्भुत आनंद, और ये विधा भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक तरफ प्रमोद कर रही है और एक तरफ अपना का पहलवान महायुद्ध कर रहा है। हमारे कमेटी के लोग हम उनको बधाई दे रहे हैं कि बड़ा सुंदर दंगल, बहुत ही अच्छा व्यवस्था इस दंगल की, और मैं पुनः कमेटी को बधाई दे रहा हूं। और हमारे इस गांव से ज्यादा मलेटा कमेटी मलेटा गांव से ज्यादा यहां पे आसपास जिले में जितने सर्विस वाले मलेटा में है वो किसी गांव में नहीं है। देखिए अद्भुत कला का प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया जोड़, ये 1700 रुपए का जोड़ है। प्रमोद कबरई और धर्मेंद्र अकोना, ये 1700 रुपए का जोड़। अद्भुत कला आपके सामने प्रस्तुति इस अखाड़े पर आपके तालियों के माध्यम से इसमें जोश की और आवश्यकता है। हमारे कोच साहब है जो आज 20 साल से जंगल का रेफरसर का कार्य करते हैं, अपनी नौकरी और ड्यूटी छोड़ के अपने गांव आते हैं। हम उनको बधाई दे रहे हैं। दीवान शत्रुघ्न सिंह मेमोरियल राष्ट्रीय विराट जंगल मेला अखाड़े में ये रचनात्मक कुश्ती आप सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कांटे का जोड़, दोनों पहलवान अपना भरसक प्रयास करते हुए बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत अच्छे। क्या बात है, हमारे रेफरी श्री ललित किशोर सिंह जी दोनों पहलवान अखाड़े के अंदर हैं, अपनी कला का प्रदर्शन अखाड़े के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए श्री ललित किशोर सिंह जी फिर से इन दोनों पहलवानों को उनकी पार्थिव नजर एक एक पैच को एक एक गांव को बड़ी बारीकी से देखती है। बहुत बढ़िया, वारे वारे, क्या बात है दोनों पहलवान बहुत ही अच्छा लड़ रहे हैं। एक अकौना से है, सफेद जांघिया में, नीचे कबरई का पहलवान है।
ये चैनल चल रहा है क्या? अच्छा अच्छा जी, इसी के माध्यम से पुनः आप सभी लोगों को अवगत कराया है कि कल बुंदेली मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप देख सकेंगे। महिला कमेटी की तरफ से, दंगल कमेटी की तरफ से ये डिजिटल व्यवस्था भी क्षेत्रवासियों को ये दी गई है। ये जो यूट्यूब चैनल चल रहा है पूरे विश्व में मनुष्य का दंगल हर मोबाइल पर धर्मेंद्र होना और प्रमोद कबरई के बीच का जो है 2 मिनट का समय निर्णायक बंधु के द्वारा 2 मिनट जापान अमेरिका रूस और जवाबी आप लोगों को मनुष्य का मालूम होना चाहिए। कमेटी के पास जाएंगे आधे में दोनों पहलवानों को दे दिया जाएगा, यानी आधे पैसे में आधा आधा। चलिए आधी मेहनत तो हो रही है, अगर बराबर हुई तब और अगर निर्णय हो गया तो 3 हफ्ते जीतने वाले को, 1 हफ्ता हारने वाले को। 2 मिनट का समय पहलवान 2 मिनट में अपना निर्णय लें, अगर 1700 का निर्णय लेना है तो जल्दी करिए। पहलवान आने का जोड़ है अकोना और कबरई। लोग कह रहे हैं कि कुर्सियां मिलके होती हैं, देखो ये कुर्सी मिली नहीं है, समझ में आ रहा है कि मिली नहीं है बिल्कुल, कुर्सी कांटे की हो रही है ये कुर्सी। जब मैं उसका हो ये कहाँ का जो कहाँ भवानी जी तोड़ रहा पिंटू भी अच्छा कितने रुपए का जोड़ है। जल्दी करिए कोठा और टोला सही है, मानगंज टोला अपना और कबरई के बीच घमासान नियुक्त मलहेड़ा के अखाड़े में निर्णय हो नहीं रहा है, समय निर्धारित हो चुका है, धर्म निर्वासी है। अब इसके बाद धर्म पहलवान झांसी और दूसरी महिला पहलवान तैयार रहेगी। नहीं निर्णय तो होना चाहिए हमारे दर्शकों का, जल्दी करिए पहलवान। दर्शकों की एक क्या है कि निर्णय होना चाहिए भाई कुश्ती का। भैया मलहेड़ा से पैसा वही ले जाएगा जिसकी कलाइयों में दम होगा। हेलो मैं इस कमेटी को पूरा बधाई दे रहा हूँ और जो यूट्यूब का ये चैनल चल रहा है पूरे विश्व में मोबाइल में ये दंगल दिखाई देगा। हमारे निर्णायक बंधुओं के द्वारा ये निर्णय बराबर छुड़ाया गया। पहलवान बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन दिखाया। कमेटी के पास आए आप दोनों लोग, अब ध्यान दें इस कुर्सी में। हाँ कृपया ये जो रसोई के पास दर्शक बंधु है कृपया बैठ जाए, बैठ जाए। दो कन्याओं को आशीर्वाद देंगे श्री बाबा थी। एक बार यूट्यूब पर स्वामी जी पहलवान हमारी कमेटी का ये नियम रहा है कि अगर बराबर होती है कुश्ती तो जितना निर्धारित इनाम आपका है उसका आधा इनाम कमेटी के पास, आधे में दोनों पहलवानों को आधा आधा। भैया यूट्यूब मेहनत आपने की है तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए और बहुत ही अच्छा निर्णय हमारी कमेटी के द्वारा। चैनल ध्यान दे